मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं दौरा है, एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे दोपहर 1:20 पर। सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचेंगे, सहजनी में HPCL एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आज बदायूं दौरे पर है, जहां एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे, वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां रैली कर रही हैं और दौरे हो रहे हैं, तो आज जो बदायूं दौरा है सीएम योगी का, इससे क्या फायदा होने वाला है बदायूं की जनता को? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज बदायूं जाने वाले हैं, और जाहिर सी बात, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ किसी जिले में जाते हैं तो वहाँ पे उस जिले की जो जनता है उसको सौगात दे के आते हैं। और इसी कड़ी में आज जब बदायूं जो है वो जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो एथेनॉल जो कंपनी है उसका प्लांट जो है उसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि एथेनॉल प्लांट का वहाँ पे सौगात देंगे। और उनके साथ साथ जो केंद्रीय पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो भी मौजूद रहेंगे। और HPCL के इस एथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन होगा उसके बाद देखिए कई तरीके के फायदे होने वाले हैं बदायूं को। एक तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार अगर बढ़ता है तो जाहिर बात कोई प्लांट लगेगा उससे रोजगार बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा। तो यानी कि बदायूं जो है वो भी अब कहीं ना कहीं आगे और विकसित होगा, और वहाँ के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अलग से कारोबार होते हैं वो भी बढ़ेंगे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बिहार से है। सियासी उठक पटक के बीच बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनावों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी आज बैठक करेगी। सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की आज बैठक है, आम चुनावों के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सियासी उठक पटक के बीच बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनावों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। सांसदों और विधायकों की के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आम चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति भी तैयार की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी है कि बिहार में सियासी उथल पुथल चल रही है और अब उसी के बाद बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए बिहार में सियासत उथल पुथल तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ देश की सियासत में भी उथल पुथल मची है नीतीश के इस पैतरे से। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी में कहीं कहीं शामिल हो रहे हैं, और जाहिर बात है कि अगर इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी नीतीश में शामिल हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को तो बड़ा झटका है ही, इसके साथ साथ उन नेताओं को भी कहीं कहीं बड़ा झटका है जो कि नीतीश कुमार के साथ आकर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे वो पार्टियां। लेकिन आप देखिए बीजेपी जो है इसका भरपूर फायदा उठा रही है। बीजेपी आज इस बिहार में जो सियासी उथल पुथल हुई उसके बीच में अपने सांसदों विधायकों की बैठक करने जा रही है, और ये कह रही है कि बैठक में चर्चा होगी आम चुनाव की, यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर चर्चा होगी, और कहीं के रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके बीच ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसदों और विधायकों से बीजेपी जब बैठक करेगी इनके साथ आज, तो कहीं से इस चीज को लेकर जरूर चर्चा होगी कि नीतीश कुमार को लिया जाए, अगर लेते हैं तो क्या फायदा होगा, किस तरीके से नीतीश कुमार का फायदा उठाया जा सकता है पार्टी के लिए, और लोकसभा चुनाव में कितने मुफीद जो है बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार, इन सब चीजों को लेकर इनके आज ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को लेकर बयान जारी हुआ है। आपको बता दें कि सत्ता में उथल पुथल के बाद अखिलेश यादव का बयान जारी हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश इधर होते तो बन सकते थे पीएम। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर नीतीश
इंडिया गठबंधन में होते तो पीएम बन सकते थे उधर जाकर, यानी कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि अब तो मुश्किल है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए था। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जो बयान आया है अखिलेश यादव का कि अगर इंडिया गठबंधन में होते नीतीश तो पीएम बन सकते थे, क्या कुछ इसकी जानकारी है और नीतीश के उधर यानी कि विपक्ष में जाने को लेकर इसकी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का जब से एक तरीके से देखा जाए कि ये खबर आई है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इंडिया गठबंधन के जो भी दल है वो कहीं ना कहीं सकते में है नीतीश कुमार के इस पैतरेबाजी से। अब अखिलेश यादव ने बयान दिया है नीतीश कुमार पे कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो हो सकता है कि वो पीएम बन सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या फिर क्या कहें कि इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो उनको कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पे अखिलेश यादव का ये कहना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में न जाके इंडिया गठबंधन में ही रहे। लेकिन अखिलेश यादव जो पीएम की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि पीएम आखिरकार कैसे नीतीश कुमार बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी नेता हैं, अन्य लोग जो हैं, खुद अखिलेश यादव भी कहीं की कोशिश में है कि हम भी पीएम बन जाएं। तो जाहिर बात है कि ये सियासत, तो सियासत में इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन कहीं कहीं मनाने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार को अभी भी जारी है। जी जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर जालौन से आ रही है, 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति का शव नाले के पास मिला है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले से ही व्यक्ति लापता था जिसका शव अभी मिला है नाले के पास से। शव को बरामद किया गया है, परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भी भेज दिया है। 3 दिन पहले जालौन कोतवाली क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 दिन पहले एक व्यक्ति लापता हुआ था जिसका शव नाले के पास मिला है। ये बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जी, ये ग्राम किलारी थाना रेंडर के अंतर्गत आता है। यहां पर एक डेड बॉडी की सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी जालौन SHO रेंडर साहब और जालौन SHO साहब द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। ये डेड बॉडी मकरंद सिंह परिहार की है, सन ऑफ बलराम, जो कि पम्मा ग्राम थाना जालौन के रहने वाले हैं। इनकी गुमशुदगी 24 जनवरी 2024 को पंजीकृत थाना जालौन में की गई थी। प्रथम दृष्टया फील्ड यूनिट के निरीक्षण के उपरांत यह तथ्य सामने आया है कि संभवतः सर्दी लग जाने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी इसमें अमल में लाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है कि पहले गुमशुदगी और अब शव मिला है व्यक्ति का? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जनपद जालौन के सिकरी राजा के पास में मलंगा नाला के पास में ये 3 दिन पहले गुमशुदगी मुकदमा दर्ज किया गया था जालौन वाले। उसके बाद में इसका शव बरामद किया गया है। राहगीरों किसानों के द्वारा जानकारी दी गई कि एक बॉडी पड़ी हुई है, तब पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का भी इस समय बात नहीं हो पा रही, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका कोई अभी बात नहीं हो पा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर जालौन से है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लगातार तेज रफ्तार की वजह से कहर जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक सवार टकरा गए। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक बाइक से टकरा गई है। हादसे में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उच्च संस्थान रेफर किया है। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के उरई स्टेट हाईवे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और
बाइक की आपस में भिंडत हो गई और उसके बाद एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे कि तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, तो ये जो पूरा मामला है ये क्या है और किस वजह से ये टक्कर हुई और अब परिजनों की क्या मांग है? ये मामला जनपद स्टेट हाईवे का है, अकोड़ी दुबे के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार एक का ट्रैक्टर ने बाइक सवार ने टक्कर मार दी है। जो मटर लाद कर लेके जा रहा था ट्रैक्टर, वो अचानक से ब्रेक लगा दिया और अचानक पीछे से टक्कर दी मार दी गई है। जब इस संबंध में सीओ से भी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी जांच कराई जा रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर हमीरपुर से है। दबंगों की मारपीट से एक व्यक्ति की मौत हुई है। आपको बता दें कि गांव के दबंगों ने व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हमले में गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल हुआ है, वहीं एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में घायल युवक का इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान व्यक्ति की झांसी में ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि गंभीर व्यक्ति की झांसी में मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अभियुक्तों की तलाश जारी है। जलालपुर थाना क्षेत्र के न्यूली सराय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की मारपीट से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हमीरपुर से है। गांव के दबंगों ने व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जानना चाहेंगे कि दबंगों का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, इन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है और जिसके चलते हमीरपुर में एक मौत भी हुई है, क्या पूरा मामला था और अब आगे की छानबीन किस आधार पर की जा रही है? जी, बता दूं कि यहाँ तकरीबन बीते सप्ताह 21 तारीख को यह पूरा मामला हुआ था, जो किसी बात को लेकर गांव के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के एक पीड़ित के काफी ज्यादा चोटें आई थी, जिसको लेकर उसे आनन फानन में सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था और हालत नाजुक देखते हुए वहाँ मौजूद चिकित्सकों ने उसे सघन इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है। राम लहर के आगे शीत लहर बेअसर साबित हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में फिलहाल कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि राम लहर के आगे शीत लहर बेअसर दिखाई दे रही है। अयोध्या रूट पर श्रद्धालुओं की कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 20 फरवरी तक ट्रेनों में किसी भी श्रेणी का टिकट नहीं मिलेगा। आस्था स्पेशल ट्रेनों में भी धड़ाधड़ बुकिंग चल रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां राम लहर के आगे शीत लहर बेअसर साबित हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में फिलहाल कोई कमी नहीं है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या रूट पर श्रद्धालुओं की कई गुना बढ़ोतरी हुई है। लगातार श्रद्धालु अयोध्या जाने की तैयारी में है। 20 फरवरी तक ट्रेनों में किसी भी श्रेणी की टिकट नहीं है। आस्था स्पेशल ट्रेनों में भी धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से आ रही है। बदमाशों ने व्यक्ति से लूटपाट की है। बदमाशों ने व्यक्ति पर चाकू से कई बार वार किया है। ये बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से आ रही है। व्यक्ति से बदमाशों ने 18,600 रुपए लूटे हैं। पंकज अग्रहरी दवा का काम करते हैं, जिसके चलते उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। दवा के काम से बिस्कोहर जा रहे थे। आपको बता दें कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जिमड़ी के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने व्यक्ति से लूटपाट की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहबुद्दीन जुड़ चुके हैं। शाहबुद्दीन, क्या है पूरा मामला कि जहां बदमाशों ने व्यक्ति से लूटपाट की है और अब व्यक्ति की कंडीशन क्या है? जी, आपको बता दें कि जनपद सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है और डुमरियागंज थाना क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर
बदमाशों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया, धारदार हथियार से वार भी किया और 18,600 की लूट भी किया, लेकिन हालत नाजुक उसकी देख के उसी हालत में छोड़कर बदमाश हुए फरार। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से सीएससी बेमा उपकेंद्र पहुंचाया गया, जहां पर हालत काफी ठीक है, लेकिन फिलहाल डुमरियागंज पुलिस और एसओजी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शाहबुद्दीन बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। बिल्डर रियाज गाजी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना चौक में ये हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। जफरुल इस्लाम ने नियाज गाजी पर केस दर्ज कराया है। गुलफाम सलीम नायब और अज्ञात